वेलकम टू सीक्रेट बॉक्स। क्या आप लोग गए हैं फूलों की घाटी चमोली में? अगर नहीं तो जरूर जाएं। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नेचर और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानने का बड़ा शौक होता है। उन्हें किसी हिल स्टेशन या बीच पर घूमने से ज्यादा पेड़ पौधे फूल पक्षी देखने में मजा आता है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं, तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं उत्तराखंड की ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में जहां जाकर आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। आज हम आपको चमोली जनपद की प्रसिद्ध तीर्थ स्थलीय बद्रीनाथ धाम के पास संत मादन पर्वत पर स्थित फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं यहाँ क्या है खास। पुरोला से आगे है खाकरी जोहर की दून का बेस कैंप है। यहाँ तक बसें और टैक्सियां आती हैं। इसके बाद शुरू होती है लगभग 35 किलोमीटर की ट्रेकिंग यानी पद यात्रा। यह खाई क्षेत्र कहलाता है और यहाँ से सीधे साधे निवासी अब भी आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित हैं। खांखरी में आपको पोटर और गाइड मिल जाएंगे और आप रात्रि विश्राम के बाद सुबह अपनी रोमांचक यात्रा शुरू कर सकते हैं। गोपेश्वर शहर में तथा इसके आसपास बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्रों में पुराना शिव मंदिर, बेतामी कुंड आदि हैं। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग के समान है। इस स्थान की खोज फ्रैंक सीमत और आर एल होल्डवर्थ ने 1930 में की थी। इस घाटी में सबसे अधिक संख्या में जंगली फूलों की किस्में देखी जा सकती है। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा के लिए यहां से संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे। इस घाटी में पौधों की 521 किस्में हैं। 1982 में इस जगह को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ आपको कई जानवर जैसे काला भालू, हिरण, भूरा भालू, तेंदुआ, चीता आदि देखने को मिल जाएंगे। सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। सबसे नजदीक हवाई अड्डा जॉली ग्रांड है। यह चमोली से 221 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल और अल्मोड़ा सभी जगहों से चमोली के लिए बसें चलती हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी फूलों की घाटी चमोली में जाकर वहां का लुफ्त उठा सकते हैं। तो एक बार आप लोग फूलों की घाटी चमोली में जरूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।